4 लाख लोग आएंगे और 24/7 सब ज्यारत करते रहेंगे। उसके लिए हम लोग ने बहुत प्लानिंग किया था, उसके लिए गवर्नमेंट ने और खास बम्बई पुलिस ने हमें बहुत मदद की इसके अंदर। इसलिए हम लोग ने सेंटर्स बनाए हैं, वहाँ पे उन लोग को रहने का इंतज़ाम किया है और खाने का इंतज़ाम किया है और ऐसा प्लानिंग किया है कि सबको अलग अलग टाइम पर वो टाइम के ऊपर ही भिंडी बाजार में ज्यारत करने को आए। इस पहली बरसी पर मैं मेरी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए आया हूँ। सैयदना साहब ने 53 साल तक समाज को दिशा देने का काम किया है और उनके ही कार्यकाल में समाज ने जिस प्रकार से उन्नति की है, एक अमन पसंद समाज जिसने देश की तरक्की में अपनी हिस्सेदारी उठाई है और इसका पूरा श्रेय ये सैयदना साहब को जाता है और इसलिए हम संवेदना प्रकट करने के लिए आए हैं। और अभी जो नए सैयदना साहब हैं उनको हमने ये कहा है कि सरकार बिल्कुल उनके साथ में रहेगी और जो इतने अच्छे कार्य आज चल रहे हैं उन सारे अच्छे कार्यों में सरकार मदद करे। टुडे यू हैड आवर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस कम ऑन दिस ओकेजन। आई थिंक इट्स कमेंडेबल टू सी गवर्नमेंट एंड द बोरी कम्युनिटी वर्किंग टुगेदर इन द डेज टू कम। सीएम साहब ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि आज 1 साल हो गया लेकिन ऐसा लगता है कि सैयदना साहब अभी भी हमारे बीच में है और उन्होंने ये बम्बई भिंडी बाजार का जो प्रोजेक्ट उसके अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरा सहयोग करेंगे ऐसा हमें आश्वासन दिया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्होंने भी कहा था कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रोजेक्ट है और इसके लिए हम गवर्नमेंट पूरी आपके साथ में है। मैं पिछले 2.5 साल से ज़्यादा वक्त से इस एरिया से जुड़ा हूँ और मैं जो डिसिप्लिन इस कम्युनिटी में देखता हूँ ये डिसिप्लिन और कहीं देखने को नहीं मिलती है। जिस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज़ है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेफ डिसिप्लिन है, ये बहुत ही सराहनीय है। हम मुंबई पुलिस दिल से इस कम्युनिटी से मोहब्बत करते हैं और हमारी कोशिश है कि इनका हर प्रोग्राम, इनका हर इवेंट सक्सेसफुल जाए। यहाँ पर दिन में 300 पुरुष पुलिसकर्मी और 200 महिला पुलिसकर्मी डिप्लॉयड।